बेगूसराय की खुदरा खाद बीज कीटनाशक व्यापारी संघ के द्वारा विष्णुपुर में स्थित नौलखा मंदिर परिसर में बड़े ही उत्साह के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। खुदरा व्यापारियों ने आपस में रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान खुदरा विक्रेता संघ के मौजूद सभी सदस्यों के द्वारा जहां एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी, वहीं इसका कार्यक्रम में संगीत और नृत्य करके होली के उत्सव को और भी मनोरंजक बना दिया तथा एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के बनने से लेकर अब तक संगठन की क्या उपलब्धि रही उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस संगठन के सदस्यों को थोक विक्रेताओं से किस तरह का सहयोग प्राप्त हुआ और उनसे किस तरह की परेशानी हुई उस पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पोद्दार, सचिव राम कुमार सिंह, मठियानी के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार, आलोक कुमार, अरुण कुमार सिंह, संजीव सारदा सिंह, नागो सिंह, जयनंदर सिंह, अमित कुमार, धवोली के पैक्स अध्यक्ष प्रकाश भगत एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सभी सदस्यों के द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। आए हुए बंधुओं, कृपया स्थान ग्रहण किया जाए। कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं अभी बाकी है, उसके बाद हम लोग इस होली मिलन समारोह में ठाकुर जी पर चढ़े हुए इस नौलखा मंदिर का प्रसाद भी लेके जाना है आप लोगों को। इसलिए अगर उपस्थित हुए हैं, जिला खुदरा खाद बीज कीटनाशक दवा संघ के सौजन्य से आज जिला होली मिलन समारोह का आयोजन सह मसबीरा सभा किया जा रहा है और इसमें हम उपस्थिति जो दर्ज किए हैं, इसमें कई चर्चाएं भी है। सबसे पहले कि हम के काल संगठन बनने से के समय से वर्तमान समय तक की क्या क्या उपलब्धि है उस पर भी चर्चाएं की गई। हमें थोक विक्रेताओं के द्वारा क्या सहयोग मिला या क्या छला गया, इस पर भी चर्चा हो रही है। हमारे जिला के कृषि विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा या जिला पदाधिकारियों के द्वारा जो हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है संगठन बनने के बाद, इसके लिए भी मैं उन लोगों को पूर्ण रूपेण सौहार्द दिल से प्रशंसा करता हूं कि जिला के तमाम पदाधिकारी, हमारे संगठन के तमाम विक्रेताओं को जो नीच दृष्टि से देखते थे, उनका नजरिया बदल के हम लोगों के प्रति जो सम्मान आया है और वो सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं उन जिला पदाधिकारियों को भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने जिला के तमाम सुदूर देहात में किसान का सेवक के रूप में सेवा करते हुए जो दुकानदार हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी 18 प्रखंड के पदाधिकारियों को। फिर मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिला के 21 सदस्यीय टीम जो ये जिला कमेटी चलाती है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों को भी आभार व्यक्त करता हूँ और तमाम लोगों को या पिछले कार्यकाल में जो गीले शिकवे हैं उसको भूल करके आज हम गले लगने के लिए यह आयोजन किया है और यह आयोजन आपके सामने है जो सफलता की कड़ी दर्शाता है। बेगूसराय जिला के जितने भी खुदरा व्यवसायी हैं उनके साथ होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किए और इसमें हम लोग का संघ के प्रति जो भावना है उसको दर्शाए, संघ कैसे चले उसके बारे में हम लोग जो है आगे संगठन मजबूत करने की निर्देश जो हमारे प्रखंड स्तर से आ रहा है उसको देखते हुए हम लोग
पूरे बेगूसराय जिला के जितने भी खुदरा व्यवसायी हैं, ये चाहते हैं संगठन आगे भी चलता रहे और संगठन में हम लोग सहयोग देके सही रेट पर किसान की सेवा करते रहें। और आज तक जो हमारे बेगूसराय जिला के जितने भी विक्रेता थे, जो हम लोग पर दबाव डाल के किसी तरह का मैंने रेट का और रेट के अलावे भी वो हम लोग पर प्रेशर बनाते थे, उस पर हम लोग जो है संगठन एक होने के कारण पदाधिकारी महोदय जो कृषि के हैं, जिला के पदाधिकारी महोदय हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोग को सहयोग दिया गया। और हम ये चाहेंगे आगे बेगूसराय का सम्मान पूरे बिहार में अलग नजरिया से देखा जाए, क्योंकि सबसे कम रेट अगर बिका है फर्टिलाइजर तो बेगूसराय जिला ही बिहार में नंबर वन रहा है। और आगे हम लोग सब ये प्रयास करेंगे कि रेट पर लेंगे और रेट पर बेचेंगे, यही हमारा संगठन का मेन मुद्दा है। और इसके लिए हम लोग चाहे थोक विक्रेता हो या और भी आदमी से लड़ाई लड़ना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटेंगे, यही आज का हमारा मेन मुद्दा है। विक्रेता बंधु जिला उर्वरक संघ में होली मिलन समारोह में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम अपने मटिहानी प्रखंड की ओर से, प्रखंड सभी दुकानदार की ओर से जिला के संघ को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो हम संघ से जुड़े हुए हमारे प्रखंड के विक्रेता हैं, 36 और 36 में 36 रिटेलर हम लोग आज संघ में आए हैं, कर रहे हैं, सारा गीला सिकवा भूल कर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। जो भी आगे होगा वो देखेंगे बजरंग बली की कृपा।